हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोग के साथ गिलास से मटर छिल के दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स है हमारा किचन को लेकर के। तो हमारे घर में किचन जो होता है सबसे अहम पात्र होता है हमारे घर का, खास करके उसका बेसिन जो होता है वो। तो क्या होता है ना, ये रात को ना इसमें से स्मेल आने लगती है। इसके अंदर डायरेक्ट नाली से अटैच पाइप रहता है, तो वो कीड़ा जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है ना इसके अंदर आने लगता है। तो फिर ना रात को सोने से पहले क्या करेंगे, बेसिन को हम धोएंगे ही अच्छे से सिंक को। उसके बाद ना नमक जो होता है ना, नमक साधारण नमक जो भी हम खाते हैं डेली यूज में लेते हैं, उस नमक को रात को 1-2 चम्मच डाल के सो जाएंगे। इससे क्या होगा ना, पाइप के अंदर से जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा वो सब ना नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे और स्मेल भी नहीं करेगा हमारा सिंक। और सुबह होते ही हम इसे धो देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरीके से नमक का इस्तेमाल किया है। जो नमक आप डेली यूज करते हैं ना वही नमक, ये टाटा वाला नमक था मेरे पास, मैंने यही डाला है और बहुत ही काम करता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप्स। तो अगला टिप्स है हमारा आलू को लेकर के। ठंडी का मौसम आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो आलू होता है ना, इसका छिलका बहुत ही पतला होता है, तो इसे अगर हम छीलने की सहायता से छीलते हैं ना तो आलू भी छिला जाता है हमारा। तो हम ना इसके लिए क्या किए ना, यहाँ पे आलू को ना चाय छन्नी से छीलने का कोशिश की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय छन्नी की सहायता से बहुत ही आराम से हमारा आलू जो है इसका छिलका अलग हो जाएगा। थोड़ा सा ही क्रश करने का जरूरत होता है क्योंकि ये हाथ से भी छूटते रहता है इसका छिलका। इस तरीके से हमारा आलू भी बर्बाद नहीं होगा, आलू भी छिला के बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास बड़ा सा छलनी है आटा छानने वाला, उसमें भी छील सकते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन आलू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा हरा मटर को लेकर के। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, हरा मटर का सीजन चल रहा है, हमारे घरों में हरा मटर तो आता ही है बहुत सारा। तो होता क्या है ना कि मटर छीलते छीलते घंटों लग जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सब्जी बनानी होती है। तो इसके लिए मैंने ना एक ट्रिक अपनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास थोड़ा सा मटर था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही मटर को क्या किया है, पानी में डाल दिया और इसे थोड़ा सा उबाल लिया है मैंने 1-2 मिनट तक ही। उसके बाद मैं इस गिलास की सहायता से इसका छिलका, मतलब इसके छिलके से के अंदर से मटर के दाने निकाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली मटर का दाना जो है ना निकल के तैयार हो रहा है हमारा। इससे क्या होता है ना कि इसका छिलका सॉफ्ट हो जाता है और मटर का दाना निकल जाता है इसके अंदर से। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ये हमारा निपट भी जाएगा और हाथ का नाखून भी बर्बाद नहीं होगा। तो आई होप को आप लोग को ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मटर को निकाल लिया है इस तरीके से, मैं सारे मटर को निकाल लूँगी। तो चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स है इस तरीके के चम्मच वगैरह को लेकर के। तो हमारे घरों में जो चम्मच वगैरह रहता है ना वो खो जाता है, अगर रखने वाला नहीं रहता है तो मैंने इसे इधर उधर गिर भी जाता है। तो क्या करेंगे ना, ग्लास लेंगे, उसके अंदर इस तरीके से जितना भी इस टाइप वाला सामान सब होगा ना इसे ऑर्गेनाइज करके हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए चाय छन्नी भी था मेरे पास, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है और इसे हम एक जगह पर अच्छे से रख देंगे। जब भी हमें यूज करना होगा ऊपर से निकाल के यूज कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।